नमस्कार दोस्तों। दुनिया के अधिकांश देशों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थर्मल पावर प्लांट के जरिए की जाती है, और हम ये भी जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी उतनी एफिशिएंट भी नहीं होती, और इस प्रोसेस से एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूल सेल कैसे थर्मल पावर प्लांट से बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि फ्यूल सेल की हमें क्या जरूरत है? थर्मल पावर प्लांट से भी अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जा रही है, हमारे घरों तक पहुंच रही है। तो चलिए जानते हैं थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ये लेस एफिशिएंट होता है, जिसकी एफिशिएंसी लगभग 40% ही होती है। दूसरा कारण है कि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में फॉसिल फ्यूल्स को कंज्यूम करता है, और हम जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स जो है वो लिमिटेड अमाउंट में अर्थ पर है, और अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का इसी तरह दोहन करते रहें तो जल्द ही ये खत्म भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं थर्मल पावर प्लांट से। क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला मेजर प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, विश्व में टेम्परेचर का बढ़ना, जिसके कारण एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है और ठंड में हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। इसी का दूसरा कॉन्सिक्वेंस है अनसीजनल रेनफॉल। जब बारिश होनी चाहिए तब होती नहीं है, और जब बारिश नहीं होनी चाहिए उस टाइम बारिश होती है, और हर तरफ से बर्बादी ही बर्बादी ही होती है। तीसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के दौरान बाय प्रोडक्ट्स के रूप में फॉर्म होते हैं, और इनका एनवायरनमेंट पर बहुत ही बुरा असर होता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ही एक तरफ से जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट है पॉल्यूशन, चाहे हम एयर पॉल्यूशन की बात करें या लैंड पॉल्यूशन की। मेनली एयर पॉल्यूशन थर्मल पावर प्लांट की वजह से होता है, और थर्मल पावर प्लांट के कारण जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं वो एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, जिस कारण एयर पॉल्यूशन होता है। तो हम देख सकते हैं कि पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब आपस में रिलेटेड है, और ये मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हैं एनवायरनमेंट को डैमेज करने के, और थर्मल पावर प्लांट इसका एक मेजर सोर्स है। तो इसीलिए थर्मल पावर प्लांट हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। चलिए देखते हैं कि फ्यूल सेल्स क्या होते हैं। फ्यूल सेल्स के पहले हम थोड़ा बता देते हैं गैल्वेनिक सेल्स के बारे में। गैल्वेनिक सेल्स एक ऐसी डिवाइसेस होती है जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? सबसे पहले कोयले या फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, और उसके केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और उस हीट से वाटर को इवापोरेट करके उसे स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और उससे टरबाइन को घुमाया जाता है, और उस टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी कारण इसकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी कम, 40% के अबाउट होती है, हम लोग देख चुके हैं। तो इसी का अल्टरनेटिव जो हम बात कर रहे हैं फ्यूल सेल या गैल्वेनिक सेल, एक्चुअली फ्यूल सेल भी एक टाइप का गैल्वेनिक सेल ही है। तो वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली ही रिएक्शंस के जरिए इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और गैल्वेनिक सेल्स का ही एक टाइप है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एसेट्रा फ्यूल्स को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी तो फॉसिल फ्यूल का ही यूज हुआ। हाँ, यहाँ पर भी फॉसिल फ्यूल का ही यूज हुआ, लेकिन
इसका अमाउंट काफ़ी कम है जितना थर्मल पावर प्लांट में होता है उसके कंपैरिजन में। और अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में बात करें तो इसमें फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे यूनिवर्स में काफ़ी लार्ज अमाउंट में है और उनका यूज करके हम इजीली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल। जैसा कि मैंने कहा, हम मेनली यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो सबसे बेस्ट, सबसे आइडियल है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल का। एक तरफ से H2 इंटर कर रहा है, एक तरफ से O2, और H2O प्रोड्यूस हो रहा है। इसका बाय प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है, इसी कारण एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें सेल रिएक्शन क्या होता है। कैथोड पर O2 जो है वो ऑक्सीजन वो वाटर से रिएक्ट करके वो H- बनाता है, और एनोड पर हाइड्रोजन OH- से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, H2+O2H2। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर के अलावा कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, और ये वाटर बिल्कुल ही प्योर होता है, इसे हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्यूल सेल का क्या क्या एडवांटेज है। इसकी एफिशिएंसी 70% होती है एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट जिसकी एफिशिएंसी 40% थी। ये इको फ्रेंडली है क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है, किसी भी तरह के ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं होता। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करें तो ये फॉसिल फ्यूल्स को कंज्यूम नहीं करते हैं, और जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो क्लीन होता है, उसे हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लार्ज अमाउंट में भले ही है पर उसे एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन को सेपरेट करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। इसे स्टोर करना भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक इनफ्लेमेबल गैस है, वो आसानी से विगरसली फायर कैच कर लेता है, इसलिए इसे स्टोर करना भी एक चुनौती है। और जनरली एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन का यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए भी फॉसिल फ्यूल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल यहाँ पर काफ़ी कम यूज होता है एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट, लेकिन यूज यहाँ भी होता है। फ्यूल सेल का इस्तेमाल 1960s में ही नासा के अपोलो मिशन में किया जा चुका है, और इस पर रिसर्च कंटिन्यूसली चल रहे हैं इसके डिसएडवांटेज को दूर करके इसे और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। USA, कनाडा, ब्रिटेन समेत डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज की सड़कों पर फ्यूल सेल से चलने वाली इलेक्ट्रिक बसेस, कार्स एसेट्रा दौड़ भी रही हैं, और धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होता जा रहा है। इस पर रिसर्च अभी भी चल रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में फ्यूल सेल एक रिवॉल्यूशन की तरह आएगा और ये इको फ्रेंडली प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करेगा। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे और बता देना चाहता हूँ कि रेड कलर हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होता है, इसलिए नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसका कलर चेंज कर दें, वरना वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।